ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ SSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਤੋ ਹਮੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਅਭੀ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਪਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਹਮੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋ ਅਭੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਮਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਅਭੀ ਇਸ ਲਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਆਏ ਥੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਸੇ ਰਹਿ ਸਕਤੇ ਹੋ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਹਮੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ। जैसे कि बाकी जगह पे स्टूडेंट्स है तो उनको थोड़ा वो लग रहा है लेकिन यहाँ पे हमारे क्लासमेट्स है तो वो बहुत हमें एनकरेज करते हैं। टीचर्स अच्छे हैं, फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं है, आगे जाके भी ऊपर वाले से प्रे करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। बात की जैसे कहा जाता है कि वहाँ का जो कानून की बात की जा रही है अगर चेंज है तो क्या कुछ लगता है उससे कुछ अच्छा है? जी अभी तो हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि अभी कश्मीरी लोगों को खुद नहीं पता है कि क्या हुआ है क्योंकि वहाँ पे पूरा नेटवर्क पूरा सब कुछ बंद है तो उनको खुद नहीं पता है क्या हुआ है। जब वो सुनेंगे तब भी पता चलेगा कि उनको अच्छा लगेगा कि क्या लगेगा, वो उनको पता होगा। फिर फरीदकोट विच पढ़ रहे एक कश्मीरी विद्यार्थी खुद नू पंजाब विच पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे ने पर जम्मू कश्मीर विच सारियां संचार सेवावां दे बंद होण कारण ये विद्यार्थी अपने परिवार नाल संपर्क नहीं कर पा रहे अते इसे कारण ही ये विद्यार्थी अपने परिवार लई चिंता कर रहे ने। जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं हम उन्हीं को ट्रेस कर रहे हैं कि कहां कहां पे हैं। हमारे पास कुछ डेटा तो पहले था तो हमारे पुलिस काउंटर पार्ट्स उनको कर रहे हैं। कुछ जगहों पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कर रहा हूँ। एक जगह मैंने SDM को कोटकपूरा में भेजा है कि वो जा करके देख करके आए कि बच्चे कहाँ हैं। तो जो बच्चे हैं इनको मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया है, SSP का फ़ोन नंबर दे दिया है, मैंने अपनी वाइफ का नंबर दे दिया है कि कल की कोई अगर कोई ऐसी बात है किसी कारण से तो ये मुझे तुरंत इमीडिएटली फ़ोन कर सके। मैंने सारे बच्चों को जो इनके फ्रेंड्स हैं जो इनके कलीग्स हैं इनको भी बोला है कि इन बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि ये बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो एटलीस्ट बच्चों को थोड़ा सा तो सपोर्ट रहेगा कि कोई उनसे मिलने आया है, उनको नंबर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे वो बहुत इनोसेंट हैं, वो बच्चे क्या समझेंगे इन सारी चीज़ों को। वो तो बेचारे परेशान हैं कि मम्मी से बात नहीं हो पा रही है, पापा से बात नहीं हो पा रही है, वो एक बच्चे का क्या है। यानी कि आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है इनका दुख बांटने की एक तरह से। आप दुख क्या बांटे, बस देखिए दुख तो नहीं बांटा जा सकता है। बच्चे को तो उसकी माँ और पापा चाहिए, मैं तो माँ पापा नहीं हूँ उसका, लेकिन जितना उसकी हेल्प कर सकते हैं उतना तो करें। अब मैंने इनको ये बोला है कि जैसे मान लीजिए किसी को बच्चे को बाहर जाना हो, कश्मीर वाले को कहीं मार्केट जाना हो, इधर उधर जाना हो, तो कहा मैं बोल देंगे तो मैं गाड़ी भेज दूंगा। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ, ਪੰਜਾਬੀ।